बुक ओपन करने जरा सब लोग, मेरे पास पेज नंबर 212 है। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। असल में देखें, लास्ट डे हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पढ़ा था सबने, हमने कहा था ऑपरेटर ज्यादा सिंपल, ये क्या होते हैं, सिंपल दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा। ऑपरेटर कुछ सिंबल्स होते हैं जो डेटा पे कोई ना कोई ऑपरेशन पर काम करते हैं, ऐसे ही है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास ना ऑपरेटर की मेन दो कैटेगरी होती है, ऑपरेटर की मेन दो कैटेगरी होती हैं। एक होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, कौन से होते हैं, एक होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, कौन से होंगे। तो अभी उसने आपको सवाल ये दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर, समझ आ गई है। आपने ऑपरेंड पढ़े थे, क्या क्या हो सकते हैं ऑपरेंड में, ऑपरेंड के अंदर अल्फाबेट भी हो सकता है और डिजिट भी, ऐसा ही नहीं है। ऑपरेंड के अंदर अल्फाबेट भी होता है और डिजिट भी। अब आपने जब बताने यूनरी ऑपरेटर या बाइनरी ऑपरेटर का, आपने ऑपरेंड को ध्यान में रखना है। ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ काम करेगा उसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। कौन सा ऑपरेटर यूनरी होगा, जो एक ऑपरेंड के साथ काम करेगा। अब आपको ऑपरेटर अगर याद हो तो इसमें एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अब देखें अगर आप मैथ के अंदर लिखे तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं इधर -5, ऐसे लिखते हैं या नहीं लिखते। अब 5 क्या है, ये ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड है, और ये क्या है, ऑपरेटर है। तो इस ऑपरेटर के साथ कितने ऑपरेंड है, एक। तो ये वाला जो सिंबल है कौन सा ऑपरेटर हुआ, यूनरी, समझ आ गई। वो ऑपरेटर जिसके साथ एक ऑपरेंड होता है, वो ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ काम करता है उसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। और वो ऑपरेटर जो दो, यूनरी का मीनिंग होता है 1 और बाइनरी का मीनिंग होता है 2, वो ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के साथ काम करता है बाइनरी ऑपरेटर। देखिए मैं लिखता हूं a+b, अब ये क्या ऑपरेटर है, यस सर, ये दोनों क्या है, एक ऑपरेंड के साथ कितने ऑपरेंड है, दो। तो ये कौन सा ऑपरेटर बन गया, बाइनरी, समझ आई है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद 1 ऑपरेंड, ऐसा ऑपरेटर जो वर्किंग करेगा एक ऑपरेंड के साथ इज नॉन एज यूनरी ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ काम करेगा उसे क्या कहेंगे, टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद 2 ऑपरेंड्स, ऐसा ऑपरेटर जो नॉन एज बाइनरी, समझ आ गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आपने देखा कि ये जो माइनस है ये यूनरी भी है बाइनरी भी है, देखिए आप ऐसे भी लिखते हैं ना, ए माइनस बी भी लिखते हैं, अब माइनस का सिंबल इधर भी है, तो माइनस का सिंबल जो है ये यूनरी और बाइनरी दोनों लिहाज से है। इसी तरीके से आपके पास होता है एक ऑपरेटर, आप कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए ना आप दो बार प्लस का सिंबल यूज करते हैं, दो बार प्लस। अब ये वाला ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के साथ जब लिखेंगे ना उसमें एक वैल्यू का इजाफा कर देता है, एक वैल्यू का इजाफा। आप लिखते कैसे, आप इसे ऐसे लिखते हैं, सपोज आपने लिखा वेरिएबल का नाम ए था, इसके साथ दो बार ये कौन सा बाइनरी ऑपरेटर है। तो अब जब आप इसे देखेंगे ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है, तो इस ऑपरेटर के साथ कितने ऑपरेंड है, तो ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये भी कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा है ये, हमने कहा जो ऑपरेटर एक ऑपरेंड के साथ काम करे उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो ये वाला ऑपरेटर है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, कौन सा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसके लिए प्लस प्लस का सिंबल यूज करते हैं, ये एक ऑपरेंड के साथ काम कर रहे हैं, कितने के साथ काम कर रहे हैं, तो ये भी कौन सा है, यूनरी ऑपरेटर। इसी तरीके से एक होता है हमारे पास दो बार माइनस का सिंबल लिखते हैं, कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, क्या कहते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये भी क्या है आपके पास, यूनरी ऑपरेटर। आप ऐसे लिखते हैं, आप लिखते हैं ए माइनस माइनस, समझ आ गई है। तो ये ऑपरेटर है डिक्रीमेंट, ये करेगा इस ए की वैल्यू में एक की कमी कर देगा, तो इसके साथ ऑपरेंड कितने हैं, तो अब आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ काम करता है उसे कहते हैं, और ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के साथ काम करता है। बाकी आप इतने भी करके आप देखिए आप करते हैं 10, ठीक है, डिवाइड बाय 5 कर दिया आपने, तो इसीलिए यहां से आप कह देते हैं ए स्क्वायर बी
तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये कितने का के साथ काम कर रहे हैं? दो ऑपरेंड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सारे कौन से हैं? और ये वाले आप तीन आपने पढ़े, माइनस, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, ये तीनों कौन से हैं? समझ आ गई है? तो ये आपने ध्यान से देखिए बुक में, वो हमें बता रहा है। सवाल ये कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। The difference between unary and binary operator is as follows. Unary operators क्या होते हैं? A type of operator that works with one operand is called unary operator. हमने क्या कहा? A type of operator that works with one operand. ऐसे operator की किस्म जो एक operand के साथ काम करे उसे unary operator कहते हैं। तो वो हम example दे रहे हैं। Some unary operators are as follows. Minus का symbol नजर आ रहा है? इंक्रीमेंट नजर आ रहा है? डिक्रीमेंट नजर आ रहा है? और निगेशन का सिंबल भी है, ये होता है नॉट के लिए आते हैं, ठीक है? कौन से? ये निगेशन। तो ये आपके पास चारों कौन से यूनरी ऑपरेटर के तौर पर यूज होते हैं, मतलब ये चारों कितने ऑपरेंड के साथ काम करते हैं? एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, समझ आ गई? दूसरे बाइनरी ऑपरेटर, अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद टू ऑपरेंड्स, ऐसा ऑपरेटर जो कितने ऑपरेंड से काम करे टू ऑपरेंड्स के साथ is called binary operator, से binary operator कहते हैं। तो इसमें देखिए addition, subtraction, multiplication, आपको पता है बाकी जितने भी operator होते हैं तो केवल दो operand के साथ काम करते हैं, addition, subtraction, multiplication, division, remainder, etc. समझ आ गई है? तो अब आपको याद रखने के लिए आपको example नजर आ रही है, a plus b, x square by y, etc. समझ आ गई? तो हमने operators के बारे में पढ़ लिया। ऑपरेटर्स यूनरी भी हो सकते हैं और बाइनरी भी हो सकते हैं। हमने कहा यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं और बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो दो ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। सबको पता चल गया? यस सर। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं, हम सवाल दे रहे हैं, डिस्क्राइब कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कौन सी? कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? देखिए हम देख रहे हैं, अब हमें सवाल दिया गया है कि कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। असाइनमेंट स्टेटमेंट पढ़ी थी ना आपने, हमने कहा था सपोज अगर मैं लिखता हूँ a = 5 तो ये क्या है? असाइनमेंट स्टेटमेंट है। क्या कर रही है? 5 a में असाइन कर रही है। हमने कहा था ऐसी स्टेटमेंट जो क्या करती है? वैल्यू वेरिएबल को असाइन करके उसे असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। ये तो पता है ना सबको? यस सर। अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल, ऐसी स्टेटमेंट जो वैल्यू असाइन कर देती है वैल्यू, ये कौन है? असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब हमें कहा जा रहा है कि कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होगी। पूछा आप ही असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है, लेकिन कौन सी असाइनमेंट स्टेटमेंट? कंपाउंड। कंपाउंड तो ध्यान रखिएगा, असाइनमेंट स्टेटमेंट एक वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन करती है। असाइनमेंट स्टेट में क्या करेगी? 5 को a में असाइन कर देगी। लेकिन अगर आप कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट की बात करें तो आप असाइनमेंट स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिखेंगे a = b = 10 सैंपल। अब ये स्टेटमेंट क्या करेगी? ये 10 b को भी असाइन कर देगी और a को भी। अब ये वाली क्या है? कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। समझ आइए? तो आप इसे कैसे बता देनी, आप इसे डिफाइन कैसे करना है? ऐसी असाइनमेंट स्टेटमेंट जो एक वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल को असाइन कर सकती है उसे कंपाउंड असाइनमेंट। समझ आइए? हमने कहा कि टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू मेनी वेरिएबल, ऐसी असाइनमेंट स्टेटमेंट जो एक वैल्यू असाइन कर देती है मेनी वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल को। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इधर लिख दो a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 100। समझ आ गई? अब ये क्या होगा? ये 100 तीनों में चला जाएगा। यस सर। समझ आ गई? तो इस तरह से कोई भी असाइनमेंट स्टेटमेंट जिसमें आप एक वैल्यू एक से ज्यादा वेरिएबल को असाइन करते हैं ये क्या बन जाती है? ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। समझ आइए? अब जरा बुक की तरफ आएंगे कि वो हमें क्या बता रहा है। वो हमें बता रहा है कि डिस्क्राइब कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट An assignment statement that assigns a value to many variables is known as compound assignment statement. ऐसी assignment statement जो value assign कर देती है इसे many variables को, तो इसे क्या कहते हैं? आप इस तरह की करना है और उसके बाद examples आप कोई भी दे सकते हैं, अगर आपको समझ आ गई है तो आप कोई भी examples देने के काबिल हैं। समझ आ गई है? तो ये हमने पढ़ लिया compound assignment statement।
अच्छा अभी आपने यूनरी ऑपरेटर भी पढ़ लिया है, पाली ऑपरेटर भी पढ़ लिया है और कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हमें सवाल दे रहे हैं कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, जरा देखें, डिस्क्राइब, ठीक है उत्तर है कि डिस्क्राइब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। आपने क्या डिस्क्राइब करना है? कंपाउंड असाइनमेंट ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, आपको आई थिंक शुरू में बताया था जब आपको सारे ऑपरेटर्स के बारे में बता रहा था। इसके अंदर क्या होगा, आपने एक पढ़ा है असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या आपको एक चीज बताई थी जो ये सिंबल है, वैसे तो हम मैथ में से इक्वल करते हैं लेकिन C++ या C या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसे क्या कहा जाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। C के अंदर इक्वल के लिए दो बार असाइनमेंट ऑपरेटर होना चाहिए। तो एक बार लिखेंगे तो ये क्या होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसके साथ आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। अगर आप इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो तो इससे क्या बनेगा? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या लिखेंगे आप? इसका मतलब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कॉम्बिनेशन होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का और अरिथमेटिक ऑपरेटर का। समझ आइए, अरिथमेटिक ऑपरेटर सबको पता है ना, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो होते हैं, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर और इन दोनों को इकट्ठा कर दो तो ये क्या बन जाएगा? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ आइए, थोड़ी जरा देखिए वो मैं बता रहा हूं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, सी लैंग्वेज आपको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोवाइड करती है दैट कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर जो इकट्ठा कर देती है असाइनमेंट ऑपरेटर को विद अरिथमेटिक ऑपरेटर। किसके साथ? समझ आइए इस बात की। हमने कहा कि C लैंग्वेज आपको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोवाइड करती है और ये करती क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर को कंबाइन कर देती है। समझ आ गई? उसके बाद वो हमें बता रहा है कि कंपाउंड ये आपने करना है। उसके बाद आप इसका सिंटैक्स देखें जरा, इसके लिए रूल क्या होंगे। पहले वेरिएबल होगा, फिर कोई भी ऑपरेटर होगा, ठीक है, इसका मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर इधर आया करेगा, फिर कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर आप हमेशा लिखेंगे इधर, और आखिर में कोई एक्सप्रेशन और ठीक है सेमीकोलन। अब हम देख रहे हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए सिंटैक्स क्या होगा, क्या देख रहे हैं? और आपको एक चीज बताइए कि सिंटैक्स रूल होते हैं और आपको ये लाजमी आने चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि जब भी आप सी के प्रोग्राम में कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा करेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले वेरिएबल का नेम, उसके बाद ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, सेमीकोलन। इन रूल्स को आपने सामने रखना, समझ आइए। अभी जब आप एग्जांपल देखेंगे आपको फौरन समझ आ जाएगा। देखिए अगर आप जरा देखें, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है n प्लस इक्वल टू 10 और सेमीकोलन, नजर आ रहा है? यस सर। तो आपने इधर लिखा, देखें आपने वेरिएबल की जगह लिख दिया n, ऑपरेटर की जगह लिख दिया असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह, ठीक है, और इधर लिख दिया n। समझ आइए, तो ये क्या बन गया? समझ आ गई? अंदर आपको ये दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं ना? ये क्या है आपके सामने? अरिथमेटिक ऑपरेटर है प्लस का और असाइनमेंट ऑपरेटर भी आपको नजर आ रहा है। जब ये दोनों आएंगे इकट्ठे तो ये क्या बन जाया करेगा? अब इसका मतलब क्या होता है जरा देखें। अगर आप इसे ऐसे लिखते ना, आप लिखते a is equal to a plus 10, तो इसका भी वही जवाब आएगा, इसका भी वही जवाब। समझ आइए, इधर तक समझना आसान है ना? फर्क करें, देखें a के अंदर है 5, कितना है? तो आपको पता है इधर 5 और इसका जवाब क्या आ जाएगा? 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इधर ये भी 15 जवाब देगा। अगर a के अंदर क्या हो, इसमें सॉरी इधर n है, आप वो n में रख लेते हैं।
एन में क्या नाम कहते हैं सपोज एन एफ आई कुछ भी है तो आप इस एन में क्या आएगा एन क्या आएगा इधर क्या है टेन है इधर क्या है तो एक टोटल कितना बन जाएगा तो इस स्टेटमेंट को जरा गौर से समझें आप इसे ऐसे लिखेंगे एन इज इक्वल टू एन प्लस टेन तो ये भी वही है और ये भी वही है इधर आपने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं यूज किया इधर आपने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया अब इसका जवाब क्या होगा अगर आपके पास एन इक्वल टेन हो तो लेकिन ये लिखने का और तरीका है और ये बिल्कुल सिंपल जैसे आर मैथ में आप लिखते हैं ये क्या है आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का तरीका है इसमें आपके पास क्या और है आप ऑपरेटर को और मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर को और असाइनमेंट ऑपरेटर को इकट्ठे यूज कर रहे हैं समझ आइए ओके तो इसमें एग्जांपल आपको नजर आ रही है देखिए वो भी आपको बता रहे हैं n प्लस इक्वल टू क्या है 10 तो ये कैसे होगा किसके बराबर होगा n इक्वल टू n प्लस 10 नजर आ रहा है अगर आपको मैं कहूं कि b इज इक्वल टू ठीक है b माइनस इज इक्वल टू 20 तो ये कितने के बराबर होगा कौन बताएगा क्या होता है क्रैश रिवाइज करने बेटर रेस कर देते पढ़ लिया सबने यस सर अब इसमें एग्जांपल नजर आ रही है सबको यस सर ओके तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये लॉन्ग क्वेश्चन है ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो इसमें जरा एग्जांपल जरा देख लें आज का जो टॉपिक था आप प्लस इक्वल नजर आ रहा है माइनस इक्वल नजर आ रहा है उसके अलावा आपको कैरेक्टर नजर आ रहा है क्योंकि आपको पता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर है और आपको पता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं मल्टीप्लिकेशन और तो आज हमने क्या क्या पढ़ा था दोबारा देख लें आज हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो क्या था रिग्रेशन वीक में के बाद हमने क्या पढ़ा कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट और के बाद क्या पढ़ा तो आज हमने यू समझ ले चार टर्म आपने पढ़ी है कितने टर्म चार आप इन चार को पता होना चाहिए आज आपने एक देखा कि यूनरी ऑपरेटर कौन से यूनरी ऑपरेटर अच्छा उसके बाद आपने क्या देखा बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर तो हमने आज ये चार टर्म्स सीखी ठीक है आपको पता होना चाहिए हमेशा इसका पता होना चाहिए तो हमने सबसे पहले पढ़ा यूनरी ऑपरेटर अब गौर से सुनिएगा क्योंकि हमारा काम बताऊं कि लाभ हो गया हमने कहा कि यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर में क्या फर्क होता है हमने कहा कि यूनरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो एक ऑपरेंड के साथ काम करता है यूनरी का मतलब होता है एक यूनरी मीन होता है वन लिहाजा टाइप ऑफ ऑपरेटर ऑपरेटर की किस्म दैट वर्क्स विद वन ऑपरेंड जो कि वर्किंग करेगी एक ऑपरेंड के साथ इज नॉन एज यूनरी ऑपरेटर इसे क्या कहेंगे यूनरी उसके बाद हमने कहा बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है हमने कहा टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद टू बाइनरी कहते हैं दो बाइनरी कहते हैं दो तो बाइनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जो दो ऑपरेंड के साथ काम करता है हमने कहा यूनरी ऑपरेटर में क्या हो सकता है माइनस हो सकता है ठीक है हमने कहा इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो सकता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो सकता है और डिविजन भी हो सकते हैं समझ आ गई हमने कहा बाइनरी ऑपरेटर में क्या हो सकता है एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन यूनियन ठीक है
डिवीजन हो सकता है या ग्रेटर देन सो ऑन दूसरे ऑपरेटर जो हमेशा दो ऑपरेंड के साथ काम करेंगे उनको क्या कहा जाएगा तो इसी तरीके से आपने कहा कि ये कैसे होगा यूनरी ऑपरेटर हमें कहा फॉर एग्जांपल ए प्लस प्लस तो प्लस प्लस क्या है इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसके साथ ऑपरेंड ए की नजर आ रहा है आपको तो लिहाजा ये ऑपरेटर कौन सा बन गया हमने कहा फर्ज करते हैं हम लिखते हैं ए प्लस बी अब इसके अंदर जो ये वाला ऑपरेटर है ये कौन सा है बाइनरी इसके साथ कितने ऑपरेंड नजर आ रहे हैं दो उसके बाद हमने पढ़ा कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है हमने कहा असाइनमेंट स्टेटमेंट की वो किस्म जो एक वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल को असाइन कर देती है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट ऐसे ही था यस सर ऐसी असाइनमेंट स्टेटमेंट जो एक वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल को असाइन कर देती है टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू मेनी वेरिएबल इन ऑल कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट समझ आ गई है ओके तो हमने कहा सच है कैसे हो गए थ्री एग्जांपल आपने दी आपने कहा ए इक्वल टू बी इक्वल टू 5 अब ये 5 तो नहीं है तो ये क्या है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट समझ आ गई हमने आखिर में पढ़ा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है हमने कहा कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कंबाइन कर देता है इकट्ठा कर देता है असाइनमेंट ऑपरेटर को और हमने कहा कि इसके लिए सिंटैक्स क्या होगा हमने कहा सबसे पहले वेरिएबल लिखेंगे उसके बाद ऑपरेटर आएगा उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा उसके बाद एक्सप्रेशन आएगा और आखिर में सेमीकोलन आएगा सिंटैक्स में आपको सारा कुछ एक्यूरेट बताना होता है उसके बाद हम डिवाइस पे लिखेंगे तो हम देख रहे थे कि इसके लिए सिंटैक्स क्या होगा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हमने कहा पहले पहले क्या आएगा क्या आएगा पहले वेरिएबल उसके बाद तो हमने कहा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में पहले पहले क्या आएगा वेरिएबल आएगा ऑपरेटर आएगा फॉर एग्जांपल देखिए हमने कहा फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं ए प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर ये हम लिख दिया 20 और सैंपल ये आपके पास क्या है कंपाउंड असाइनमेंट लागे इसके अंदर ये वाली जो चीज है ये क्या है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बन गया एक हो तो असाइनमेंट ऑपरेटर उसके साथ कोई ऑपरेटर मिला दो अब ये कंपाउंड असाइनमेंट समझ आ गई ये वाली पढ़ लेते हैं